हेलो दोस्तों, क्या आपका भी अचानक से रोने का मन करने लगता है? आप परेशान हो जाते हैं, सिर दर्द करने लगता है और कोई पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, मत सोचो, दूसरे लोग समझाने लगते हैं तो आप बोलते हो नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ या नहीं सोच रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा हो जाता है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको इसका जवाब भी मिलेगा और इसका उपाय भी मिलेगा। दोस्तों, हम अचानक से इसलिए रोने लगते हैं या रोने का मन करने लगता है या परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में कोई बैड मेमोरीज जो आपके पास्ट में होते बीता हुआ रहता है, बुरा दिन जिसमें आप रोए होते हो, वो वाला मेमोरीज प्ले हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम चेक करते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं तो कोई थॉट दिमाग में चल ही नहीं रहा होता, एकदम ब्लैंक। हमें लगता है हम कुछ नहीं सोच रहे, पर ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में चल रहा होता है, वो थॉट आपके दिमाग में चल रहा होता है पास्ट का। तो जब भी आप अपना थॉट चेक करो और पता नहीं चले तो आप समझ लेना कि कोई बैड मेमोरीज आपके दिमाग में प्ले हो चुका है, वो चल रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ज़रूरी का चीज़ हमारे नज़र के सामने ही होता है, हम उसको ढूंढ रहे होते हैं, बहुत देर तक ढूंढते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता, लेकिन कल होके या कुछ देर बाद या फिर दूसरे को मिल जाता है। बोलते यही तो था, यही तो है, देखो। तो बोलते अरे यही था, मुझे क्यों नहीं दिखा। कई बार किचन में ऐसा होता है कि नमक सामने ही होता है पर हमें दिखता नहीं है, फिर दूसरे से पूछते कहाँ है, तो बोलती ये सोचती यही था, दिखा क्यों नहीं। तो होता है ना, कई बार चीज़ें नज़र के सामने होती पर दिखती नहीं है। उसी तरह हमारे दिमाग में पास्ट का पेनफुल मेमोरीज प्ले हो चुका होता है पर हमें समझ में नहीं आता क्या चल रहा है दिमाग में। हमें लगता है कुछ नहीं चल रहा पर चल रहा होता है, इसीलिए परेशान रहते हैं। तो हमें दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पेनफुल मेमोरीज मेरा प्ले हो गया है इसलिए हम दुखी है, नहीं। ये हमने आपको बस अवेयरनेस के लिए बताए हैं क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में चलते रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम परेशान क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं, इसलिए बस अवेयरनेस के लिए। अब इसका उपाय क्या है दोस्तों? इसका उपाय तो मैं बता दूं कि देखिए, हमारे पास जो भी मेमोरीज है जन्म से लेकर के अब तक हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। ये बीच बीच में, वीक में, महीना में प्ले होते ही रहते हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ तो कर सकते हैं। जिस टाइम मूड ऑफ है, रोने का मन कर रहा है, उसको ठीक करने का कुछ उपाय है जो मैं फॉलो करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप योग निद्रा कर सकते हैं। आप YouTube पर सर्च करेंगे योग निद्रा वीडियो इन हिंदी, तो आप 3-4 को का चेक कीजिएगा, देख देख के आपको जो अच्छा लगेगा उनको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उस वीडियो को डाउनलोड करके क्योंकि जब आप योग निद्रा करते हैं ना तो आप दूसरे दुनिया में ही चले जाते हैं और बीच में ऐड आ जाता है ना तो फिर मजा ही किरकिरा हो जाता है, फिर मत पूछिए। इसलिए उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा और जब भी आपके साथ ऐसा हो या फिर नींद नहीं आ रहा हो आपको, तो उस टाइम ये योग निद्रा का वीडियो साउंड को कम करके जैसे जैसे बोलेंगे आप उसको फॉलो कीजिएगा, आप सो जाएंगे, बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। कभी भी आपका सिर दर्द कर रहा हो या कुछ भी, या फिर आपके साथ ऐसा नहीं भी होता है ना तो भी आपको योग निद्रा करना ही चाहिए। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर। और दूसरा आप फनी वीडियो देख सकते हो, कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं। और तीसरा उपाय, आप अपने अच्छे दोस्त से बात कर सकते हो जो आपको हंसाते हो, जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती हो। उन्हें ये नहीं बताना कि मेरा मूड ऑफ है, उन्हें कॉल करना है कैसे हो, क्या हो रहा है, यहाँ से शुरुआत करना है, हंसी मजाक करना है, माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ, एकदम से मुँह बना के नहीं बैठ जाना है क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग दुखी हो जाते हैं, मुँह बनाए रहते हैं, चेहरा उतरा हुआ रहता है तो घर के सभी मेम्बर्स परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें
परेशान नहीं होने देना है, नहीं तो खुद को परेशान होने देना है। जैसे ही ऐसा आपको फील होने लगे कि आप दुखी महसूस कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हो अपने दिमाग में, तो कोई थॉट चल ही नहीं रहा है जिससे कि आप परेशान होंगे, वैसा कुछ आप नहीं सोच रहे हैं, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक, तो ऐसे में आपको ये सारे उपाय करना है। मैंने 3 उपाय आपको बताए हैं, योग निद्रा, दूसरा आपको कॉमेडी वीडियो देखना है, फनी वीडियो देखना है, तीसरा आपको अपने दोस्त से बात करना है। और हाँ दोस्तों, मुझे आपसे एक बात कहनी है, वो बात ये है कि मेरे जो न्यू मोटिव के सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जो हो ना, वो मैथ मस्ती के स्टूडेंट हो, मुझे पता है। तो मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो लाइफ लेसन होता है, रिलेशनशिप पे होता है, माइंड से रिलेटेड होता है, क्योंकि मुझे ये सब की जानकारी थोड़ा बहुत है, तो मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मुझे नहीं पता आपके लिए वीडियो यूजफुल होती है या नहीं होती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि किसी और का हेल्प हो सकता है तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, आप अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और हमेशा खुश रहिएगा।